तो आज हमारे पास है क्रोमा का एक तगड़ा पार्टी स्पीकर, क्रोमा का बूम बॉक्स स्पीकर। तो अगर इसकी प्राइसिंग की बात करी जाए तो 4300 रुपए इसकी प्राइसिंग है। तो अभी क्रोमा की दिवाली सेल चल रही है तो उसमें आपको और भी कम प्राइस पॉइंट में मिल सकता है। एंड अगर आप कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट खरीदने की सोच रहे थे एंड काफी समय से आप सेल का वेट कर रहे थे, आपने जो प्रीवियस सेल आई थी वो मिस कर दी, तो दिवाली सेल का फायदा आप उठा सकते हैं। क्रोमा.com में आप जाइए, वहाँ पे आपको काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक्स प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, चाहे वो लैपटॉप हो, मोबाइल हो, स्पीकर, हेडफोन्स, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट। तो जरूर से आप क्रोमा.com को चेकआउट कर लीजिएगा, परचेस लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर रखा है। तो अगर आप भी स्पीकर के बारे में और जानना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए, वीडियो को लाइक नहीं किया तो फटाफट से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अभी से ऑन कर दीजिए। क्रोमा बूमबॉक्स स्पीकर मेंशन है, ये मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है, मतलब असेंबल्ड इंडिया में हुआ है। लेफ्ट पार्ट में कुछ फीचर्स इसके मेंशन है जिसके ऊपर आगे हम डिटेल में बात करेंगे। प्राइसिंग मेंशन की गई है 10,000 रुपए। टॉप कर लेते हैं इसकी अनबॉक्सिंग। तो यहाँ पे एक पाउच भी है, इसके अंदर दो केबल कंपनी ने प्रोवाइड की हैं, एक है टाइप सी केबल फॉर चार्जिंग एंड एक ऑक्स केबल। बॉटम पार्ट में दी गई है इसकी यूजर मैनुअल, काफी ह्यूज है। तो ये रहा मेन स्पीकर एंड इसको देख के मुझे एक स्पीकर की याद आ गई, Zebronic Zap Soundfish 500। तो ये दिखने में हूबहू उसी की तरह है, टोटली कुछ भी इसमें डिफरेंस नहीं है। एंड आगे हम चेकआउट करेंगे क्या ये स्पीकर सेम वैसा ही है या साउंड में भी कुछ डिफरेंस है। तो इसका फिजिकल ओवरव्यू हम देखे तो स्पीकर टोटली प्लास्टिक बिल्ड में आता है, मैट फिनिश इसके ऊपर दी गई है। फ्रंट पार्ट में मेटल ग्रिल है जहाँ पे क्रोमा की ब्रांडिंग है, बॉटम पार्ट में रबर पैडिंग है ताकि अपनी सर्फेस पे स्टेबल रहे। राइट एंड लेफ्ट पार्ट में इसके बेस रेडिएटर कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं। टॉप पार्ट में एक हैंडल इसको कैरी करने के लिए, इसमें बूम बॉक्स की ब्रांडिंग है। यहाँ पे तो हुक कंपनी ने प्रोवाइड किया है फॉर स्ट्रैप, बट इसके बॉक्स में कोई भी स्ट्रैप कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है। टॉप में इसके सभी कंट्रोल्स हैं, सबसे पहले पावर बटन, TWS बटन, थर्ड है EQ बटन, प्लेन पॉज बटन, RGB ऑफ करने के लिए बटन एंड वॉल्यूम रॉकर्स। एंड इसके पीछे के पार्ट में है बैटरी लेवल इंडिकेटर। पीछे के पार्ट में इसका IO कंपार्टमेंट है जहाँ पे सबसे पहले USB पोर्ट, तो ये पेन ड्राइव से सॉन्ग्स प्ले करने के लिए नहीं है, इससे आप अपने गैजेट्स को चार्ज कर पाएंगे, मतलब आप स्पीकर को एज अ पावर बैंक यूज कर सकते हैं। इसके अलावा टाइप सी पोर्ट इसको चार्ज करने के लिए, ऑक्स पोर्ट, TF पोर्ट, तो माइक्रो SD से आप सॉन्ग्स को प्ले कर सकते हो। तो अब इसका वेट हम चेकआउट कर लेते हैं, तो 3 किलो के आसपास इसका वेट है। तो अगर इसका पावर आउटपुट देखा जाए तो 40 वॉट RMS सपोर्ट के साथ स्पीकर आता है। इसमें ड्यूल स्पीकर कंपनी ने प्रोवाइड किया है इसके फ्रंट पार्ट में, 3600 mAh की इसमें 7.4 वोल्ट की कंपनी ने बैटरी प्रोवाइड की है। 6 आर तक आप इसे प्ले कर सकते हैं नॉर्मल वॉल्यूम पर, बट अगर आप इसको मैक्स वॉल्यूम प्ले करते हैं तो आपको बैटरी बैकअप यहाँ पे और भी कम मिलेगा, 3 से 4 घंटे तक आप इसे प्ले कर पाएंगे। IPX5 की इसमें रेटिंग है तो हल्के फुल्के वाटर स्प्लैश में कोई भी इशू नहीं आएगा। एंड कनेक्टिविटी के लिए इसमें दिया गया है Bluetooth 5.0। अब इसको ऑन करके अपने फोन से पेयर करके हम चेकआउट कर लेते हैं। तो LEDs की ऑन हो चुकी है, बट LED की जो ब्राइटनेस है वो काफी कम है। Zebronic की भी सेम थी, डिट्टो ऐसा ही वो स्पीकर था। तो यहाँ पे स्पीकर का नाम लिखा हुआ चुका है, बट काफी अजीब सा नाम कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया है। ये इसका मॉडल नंबर है, अगर यहाँ पे क्रोमा बूमबॉक्स लिखा होता तो और भी अच्छा लगता, एंड स्पीकर थोड़ा प्रीमियम भी लगता उससे, बट चलो जो भी है। इसमें हम क्लिक कर देते हैं पेयर। तो स्पीकर पेयर हो चुका है, बट स्पीकर का बैटरी लेवल आप अपने फोन पे चेकआउट नहीं कर पाएंगे, तो आप कर लेते हैं इसका एक साउंड टेस्ट। तो साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यूज करने वाला हूँ अपने प्रोफेशनल माइक्रोफोन का, तो यहाँ पे मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अपने हेडफोन्स का यूज करें। साउंड टेस्टिंग के लिए मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ नॉन कॉपीराइट म्यूजिक का, क्योंकि यहाँ पे कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकती है। तो अगर आप इसका म्यूजिक टेस्ट देखना चाहते हैं हिंदी या पंजाबी सॉन्ग्स में, तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। I'm gonna go to the hospital.
अब बात कर लेते हैं इसके साउंड आउटपुट की, कैसा है, परफॉर्म करता है। तो जो ज़ेब्रोनिक्स का काफी पॉपुलर स्पीकर था ज़ेब्रोनिक ज़ैप साउंड फीस्ट 500, ये सेम वही स्पीकर है। यहाँ पे सिर्फ ब्रांडिंग का अंतर है। दोनों स्पीकर में आपको सेम परफॉर्मेंस मिलती है, सेम स्पेक्स मिलते हैं। एंड अगर इसकी साउंड की बात की जाए तो इसका बेस आउटपुट काफी तगड़ा है, काफी लाउड है, ज़ेब्रोनिक्स के जैसा ही है टोटली। अगर आपको लाउडनेस एंड बेस ज्यादा पसंद है तो डेफिनेटली आपको ये स्पीकर पसंद आएगा। बेस में थंप काफी ज्यादा है, बट बेस में जो डीपनेस होती है वो कहीं ना कहीं मिस आउट करता है। लाउड बेस तो आपको मिलता है, बट डीप बेस आपको नहीं मिलेगा। अब अगर वोकल्स की बात की है तो वोकल्स क्लैरिटी इसकी ठीक है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी क्लियर सुनाई देते हैं। इसमें दो मोड्स कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, मोड्स का नाम कंपनी ने बताया नहीं है, बट दो इसमें ईक्यू मोड्स हैं। जैसे आप फर्स्ट ईक्यू को ऑन करते हैं इसका बेस आउटपुट हैवी हो जाता है, दूसरी बार बटन को आप प्रेस करते हैं तो बेस आउटपुट इसका कम हो जाता है, इसमें वोकल्स काफी क्लियर सुनाई देते हैं। तो आपको वोकल्स क्लियर चाहिए तो आप सेकंड मोड पर रखिए, अगर आपको बेस हाई चाहिए तो आप फर्स्ट मोड पर रखिए। ट्रेबल्स की बात की जाए तो वो भी इसके ठीक है, इसके प्राइस पॉइंट के हिसाब से बहुत ज्यादा शार्प नहीं है, बट डिसेंट आप बोल सकते हैं। अब अगर डिस्टॉर्शन की बात करिए तो 80% वॉल्यूम तक स्पीकर काफी अच्छा परफॉर्म करता है विदाउट डिस्टॉर्शन, आप इसे म्यूजिक को प्ले कर सकते हैं। बट जैसे आप इसकी वॉल्यूम को अप करते हैं 90 से 100% पे तो डिस्टॉर्शन इसमें फील होता है। लाउडनेस की बात की जाए तो वो इसकी काफी ज्यादा है, एक मीडियम साइज के रूम को इजिली बेस से फील कर सकता है, इवन एक हॉल में भी आप इसे यूज कर सकते हैं, उसके लिए भी ये इनफ है। छोटी मोटी पार्टी इसके लिए स्पीकर इनफ है, एंड अगर आप आउटडोर भी इसको यूज करते हैं तो काफी अच्छा खासा परफॉर्म ये कर देगा आउटडोर में भी। तो साउंड को अगर एक लाइन में बोलो तो साउंड इसकी आप बोल सकते हो कि बेस आउटपुट काफी हैवी है, डीप नहीं है। वोकल्स एंड जो ट्रेबल्स हैं वो इसके डिसेंट साइड पे हैं। तो इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट भी कंपनी ने प्रोवाइड किया है, तो आप इसका एक माइक टेस्ट हम कर लेते हैं। एंड अब जब साउंड सुन रहे हैं आप इसके माइक्रोफोन के थ्रू सुन रहे हैं, स्पीकर ठीक मेरे सामने है, अगर आप इसको थोड़ा सा हिलाते हैं तो आपको साउंड कैसी मिल रही है आपको आइडिया चल रहा होगा। तो अगर आप एक मल्टीपर्पज स्पीकर लेने की सोच रहे हैं जिसको आप ऑनलाइन क्लासेस के लिए, जूम मीटिंग के लिए एंड म्यूजिक लिस्टिंग के लिए ले पाए तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। एंड इसकी माइक क्वालिटी आपको कैसी लग रही है आप मुझे कमेंट करके जरूर से बताइएगा। अब बात कर लेते हैं कुछ प्रोज एंड कॉन्स की। सबसे पहले प्रोज है इसमें इनबिल्ट माइक्रोफोन का सपोर्ट है, जो एक अच्छी बात है इसके लिए। TWS का भी इसमें सपोर्ट है, तो आप दो स्पीकर को एक साथ पेयर कर सकते हो सेम मॉडल के स्टीरियो साउंड के लिए। इनबिल्ट इसमें पावर बैंक का सपोर्ट है, तो अपने गैजेट्स वगैरह आप चार्ज कर सकते हो। एंड इसमें काफी सारे कनेक्टिंग ऑप्शन कंपनी ने प्रोवाइड किए हैं, ऑक्स के साथ इसमें TF का भी सपोर्ट है, जो एक प्लस पॉइंट है इसके लिए। कॉन्स की बात की जाए तो IPX5 की इसमें रेटिंग है, तो स्पीकर बना है आउटडोर यूज के लिए, पार्टी यूज के लिए, तो यहाँ पे एटलीस्ट IPX7 की रेटिंग तो कंपनी को प्रोवाइड करनी चाहिए थी। एंड इसमें कोई भी हाई क्वालिटी ऑडियो कोडेक का सपोर्ट कंपनी ने प्रोवाइड नहीं किया है, वही बेसिक SBC कोडेक हमें इसमें देखने के लिए मिलता है। थर्ड जो इसका मुझे कॉन लगा, इसके RGB की ब्राइटनेस काफी कम है, एंड इफेक्ट भी सिर्फ एक ही कंपनी ने इसमें प्रोवाइड किया है, थोड़े और इफेक्ट होते तो और भी बेटर रहता। तो अब इन द लास्ट बात आती है कि आपको स्पीकर को परचेस करना चाहिए नहीं करना चाहिए। तो अगर ज़ेब्रोनिक्स को देखा जाए, इसको देखा जाए, दोनों स्पीकर सेम है, इसमें कोई भी अंतर नहीं है। ज़ेब्रोनिक्स बोलता था अपने स्पीकर को 70 वॉट का आउटपुट, बट वहाँ पे 50 वॉट का निकला था RMS उसका। इसका भी सेम ही है, अगर इसको हम खोलेंगे तो 50 वॉट के इसमें स्पीकर निकलेंगे, बट क्योंकि स्पीकर इंडिया में बना है, ज़ेब्रोनिक्स आई थिंक चाइना से बन के आ रहा है, तो डिजाइनिंग वगैरह कॉपी हो जाती है, नॉर्मल सी चीज है। यहाँ पे कोई फोन वगैरह तो है नहीं कि डिजाइनिंग आप कॉपी नहीं कर पाएंगे, जहाँ तक मुझे लगता है इस चीज से इतना फर्क नहीं पड़ता है। अगर आपको अच्छे प्राइस पॉइंट में स्पीकर मिल रहा है तगड़ा, तो डेफिनेटली आप चेकआउट कर सकते हो उसको, फायदा तो आप ही का है। अगर आपको एक बूमबॉक्स स्टाइल स्पीकर चाहिए जो काफी लाउड हो, काफी बेस हो, जिसमें आपको पावर बैंक का सपोर्ट भी मिले, माइक का भी आपको सपोर्ट चाहिए, तो डेफिनेटली आप इसको चेकआउट कर सकते हो। स्पीकर अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से काफी अच्छा है। ज़ेब्रोनिक्स एंड क्रोमा में आपको जो भी स्पीकर कम प्राइस पॉइंट में मिलता है आप उसी को प्रीफर करें, क्योंकि स्पीकर सेम है, एंड यहाँ पे अगर आपके कुछ पैसे बच रहे हैं तो फायदा आप ही का है। ऑलराइट गाइस, तो आपको स्पीकर कैसा लगा, क्या इसे परचेज करना पसंद करोगे? एंड अगर आपके मन में कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ डाउट्स हैं जो आप क्लियर करना चाहते हो, तो आप कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, मैं सभी क्वेश्चंस का आंसर करता हूं वहां पे। वीडियो अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए। तो मेरा नाम है ऋतिक, एंड मैं मिलता हूं आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में।